हेलो स्टूडेंट, आईसीएसई के गाइडेंस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आइए मैं आप सबको क्लासरूम में लेकर चलता हूँ, तो मेरे साथ आइए। गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी गाइडेंस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आईसीएसई की प्रश्न पत्रिका का स्वरूप कैसा होगा उसके बारे में आपका मार्गदर्शन करने वाला हूँ, यानी प्रश्न पत्र का प्रारूप समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं, आइए हम सबसे पहले अंक विभाजन देखते हैं। अंक विभाजन में जो पहला क्वेश्चन आएगा वो रिटन एग्ज़ाम 80 मार्क्स और प्रोजेक्ट वर्क जो कि आपको 20 मार्क्स के लिए आता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसे होगा उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो आएगा वो सेक्शन ए, जिसका अंक होगा 40, और इस 40 अंक में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला है वो है प्रस्ताव लेखन, और प्रस्ताव लेखन का अंक है 15। फिर इसके बाद जो दूसरा प्रश्न आएगा वो है पत्र लेखन, पत्र लेखन में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका अंक होगा 7। फिर इसके बाद तीसरा जो प्रश्न आएगा वो है अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज, जो कि 10 अंक के लिए आपको पूछा जाएगा। और जो चौथा प्रश्न है वो है व्याकरण, यानी व्याकरण से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, और जिसका टोटल अंक है 8। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, और इसमें भी 40 अंक के लिए आपको प्रश्न पूछा जाएगा। और जो सबसे पहला प्रश्न है वो है गद्य, यानी गद्य लेखन से संबंधित, जिसका टोटल अंक होगा 20। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो है पद्य, जिसका टोटल अंक होगा 20। तीसरा प्रश्न जो है एकांकी संचय, यानी वो भी आपको 20 मार्क के लिए पूछा जाएगा। और बच्चों जो चौथा प्रश्न है वो है नया रास्ता, यानी ये पूरा एक किताब है, ये आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और इसके लिए भी आपको टोटल अंक होगा 20। तो इस तरह से हुआ 40। ये आपने जो दूसरा सेक्शन देखा, इनमें से किन्हीं दो पठित पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, यानी जो किताबें आपने पढ़ी हैं आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आपने जो पढ़ी है उन्हीं के आधार पर, आपके विद्यालय में आपके स्कूल में जो भी पढ़ाई गई है उसके आधार पर आपको उत्तर लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं, गद्य से संबंधित जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा उसका अंक होगा 20। उसके बाद पद्य से संबंधित जो प्रश्न आएगा उसका भी टोटल अंक होगा 20। इस तरह से टोटल अंक हुआ 40। आगे समझते हैं कि कैसे प्रश्न होगा। गद्य जो कि 20 अंक प्लस उसके साथ आपको जो ऑप्शन मिलेगा होगा एकांकी संचय, ये भी जो है 20 अंक के लिए आएगा। तो इस तरह से यहां पर भी टोटल अंक हुआ 40। आगे बढ़ते हैं, गद्य 20 अंक के लिए और प्लस उसके साथ जो ऑप्शन है नया रास्ता, ये भी 20 अंक के लिए आएगा, और इसका टोटल अंक होगा 40। यहाँ पर समझने वाली बात है कि पहले एकांकी संचय प्लस नया रास्ता, गद्य तो होगा, इन दोनों जो ऑप्शन आपके सामने आए हैं इनमें से एकांकी संचय या नया रास्ता जो आपके विद्यालय में पढ़ाई गई आपको उसके आधार पर आप प्रश्न पत्र में उत्तर लिखेंगे। मिलेगा सब, सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो आपके विद्यालय में आपको पढ़ाया गया है वही आपको प्रश्न पत्र में अपीयर करना, यानी प्रश्न पत्र में उसका उत्तर लिखना है। आइए बच्चों हम लोग टाइम मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं, यानी समय का निर्धारण। प्रश्न पत्र में इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, यानी जब भी आप कोई भी उत्तर लिखते हैं तो समय को ध्यान में रखते हुए ही उत्तर लिखिए। तो आइए सबसे पहले हम सेक्शन ए में देखते हैं कि कौन सा प्रश्न आएगा और उसके लिए आपको समय कितना देना है। पहला क्वेश्चन है प्रस्ताव लेखन, और इस प्रस्ताव लेखन को लिखने के लिए आपको समय देना होगा 30 मिनट, और इस 30 मिनट को ध्यान में रखते हुए ही आप उत्तर को लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कितने आएंगे, 5, यानी 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और 5 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट कोई एक करना है, और इस प्रश्न के लिए मार्क्स है 15, और यहाँ पर आपको 30 मिनट देना है और एक्सपेक्टेड मार्क्स भी है 15। यानी अगर आप प्रश्नों का उत्तर सही लिखेंगे, जो भी आपको प्रश्न में पूछा गया है उन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे, तो आपको 15 में से 15 मार्क्स भी मिल सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न आएगा वो है पत्र लेखन से संबंधित, और इस पत्र लेखन से संबंधित
जब आप उत्तर लिखेंगे तो उसके लिए समय आपको मिलेगा 20 मिनट। और यहाँ पर टोटल, अगर टोटल क्वेश्चन होगा 2, अटेम्प्ट एनी वन, और मार्क्स है 7, और आपको समय देना है 20 मिनट, और एक्सपेक्टेड मार्क्स यहाँ पर भी है 7। यानी अगर आप प्रश्न जब उत्तर लिखेंगे पत्र लेखन का, तो मुद्दों को ध्यान में रखकर आप लिखेंगे, तो डेफिनेटली बच्चों आपको यहाँ पर भी 7 में से 7 मार्क्स मिल सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न आपको पूछा जाएगा वो होगा अपठित गद्यांश, और अपठित गद्यांश के लिए समय आपको देना होगा 4 मिनट। टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे 5, एंड ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। मार्क्स है 10, टोटल समय देना है आपको 20 मिनट, और एक्सपेक्टेड मार्क्स यहाँ पर है 10। यानी यहाँ पर भी आपको 10 out of 10 मिल सकता है अगर आपने प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से लिखे होंगे तो। चौथा प्रश्न है व्याकरण से संबंधित, और यहाँ पर आपको समय मिलेगा 1 मिनट। यानी व्याकरण से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, जब आप उसका उत्तर लिखेंगे तो आपको उसके लिए 1 मिनट का समय देना होगा। यहाँ टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे वो समझ लेते हैं। टोटल क्वेश्चन आएगा 8, और 8 क्वेश्चंस जो आपको लिखने हैं वो सभी के सभी कंपलसरी हैं। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि व्याकरण के लिए 1 मिनट का समय और 8 क्वेश्चन कैसे मुमकिन होगा। तो बच्चों 8 क्वेश्चन है, मतलब हर एक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको 1 मिनट का समय देना है। तो 8 + 1 मिनट अगर हम देखें तो 8 मिनट देने होंगे यहाँ पर। मार्क्स है 8, और टोटल टाइम आप 8 से 10 मिनट दे सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिए, 1 क्वेश्चन लिखने के लिए 1 मिनट, तो 8 क्वेश्चन लिखने के लिए 8 मिनट। आप यहाँ 1-2 मिनट ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि 8 मिनट में ही कंप्लीट हो। और यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड मार्क्स है 8, यानी अगर आप यहाँ पर सारे प्रश्नों का उत्तर सही लिखते हैं तो यहाँ पर भी आपको 8 में से 8 मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस तरह से सीखने में प्रस्ताव लेखन, पत्र लेखन, अपठित गद्यांश और व्याकरण, जिसके लिए टोटल मार्क्स होगा 40, समय सारे प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए सेक्शन ए के 80 मिनट देने हैं, और एक्सपेक्टेड मार्क्स यहां पर है 40। अब जो व्याकरण का प्रश्न पूछा गया है, अगर आप देखें तो इसमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे उसको भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। जो सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा जाएगा वो है विशेषण, तो विशेषण में कितना समय देना है उसको 1 मिनट, और क्वेश्चन कितने आएंगे 2 सब क्वेश्चन, एंड ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। यानी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखना आपके लिए अनिवार्य है, और यहाँ पर 1 मार्क्स मिलेंगे अगर सही है। दूसरा जो प्रश्न है वो पर्यायवाची से संबंधित है, यहाँ पर भी आपको 1 मिनट का समय देना है, और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2 सब क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी वन। ये ध्यान में रखिएगा, प्रश्न में क्या पूछा गया है क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो जैसा पूछा गया उसके आधार पर आप उत्तर लिखने की कोशिश करिए। मार्क्स 1। तीसरा जो प्रश्न है वो विलोम शब्द है, यानी विरुद्धार्थी शब्द, 1 मिनट यहाँ देना है आपको इसका उत्तर लिखने के लिए, और यहाँ पर 2 सब क्वेश्चंस आएंगे, एंड ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। यानी यहाँ पर भी दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखना आपके लिए अनिवार्य है, और मार्क्स है 1। चौथा जो प्रश्न है वो मुहावरे से संबंधित है, और मुहावरे के लिए भी आपको समय देना है 1 मिनट। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, अटेम्प्ट एनी वन, यानी दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा, यानी कोई एक मुहावरे का उत्तर आपको लिखना होगा, और मार्क्स 1 है। पांचवा जो प्रश्न है वो है भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा से संबंधित जब आप उस प्रश्न का उत्तर लिखने जाएंगे तो 1 मिनट का समय देना है, और यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 2 सब क्वेश्चन, एंड ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। यानी यहाँ पर भी आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे, यानी हाफ हाफ मार्क्स के लिए होंगे, तो टोटल मार्क्स होता है 1। एंड जो अगला है वो है, अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा वह निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन, यानी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके आधार पर आपको क्या करना है, वाक्य को बदलना है, और यहाँ पर आपको 4 मिनट मिलेंगे, और क्वेश्चन कितने आएंगे 3 सब क्वेश्चन, एंड ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, और इसके लिए मार्क्स है 3। तो टोटल यहाँ पर होता है, अगर हम बात करें तो 10 मिनट,
और 10 मिनट का समय जब आप लेंगे तो एक्सपेक्टेड मार्क्स यहाँ है 8 मार्क्स, यानी सारे व्याकरण के प्रश्नों को उत्तर जब आप लिखने जाएंगे तो 8 से 10 मिनट का वक्त लीजिए, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक्सपेक्टेड मार्क्स देखिए 8 है, यानी अगर सारे प्रश्नों का उत्तर सही है तो आपको 8 में से 8 मिल सकते हैं। सो टोटल अंक होता है 8, टाइम देना है 8 से 10 मिनट और एक्सपेक्टेड मार्क्स भी है 8। आगे बढ़ते हैं, हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। इनमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे उसको जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपको यहाँ पूछा जाएगा वो होगा साहित्य सागर पद्य से संबंधित। साहित्य सागर पद्य से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा बच्चों उसको लिखना आपके लिए अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है। और समय आपको मिलेगा इसे लिखने के लिए 20 मिनट। और प्रश्न कितने आएंगे वो भी समझना, 3 क्वेश्चंस बट अटेम्प्ट एनी 2, यानी 3 प्रश्नों में से कोई 2 ही प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं और मार्क्स है 20। तो जब 2 प्रश्न अपीयर करने हैं तो 1 प्रश्न के लिए आपको 20 मिनट देना है, तो 2 प्रश्न जब होंगे तो कितना समय देना होगा, 40 मिनट। वेरी गुड। और एक्सपेक्टेड मार्क्स है 20, यानी अगर आप प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर भी सही तरह से लिखते हैं तो आपको 20 में से 20 मिल सकते हैं। जो दूसरा प्रश्न आएगा वो है साहित्य सागर पद्य से संबंधित, वो भी लिखने के लिए आपको कितना समय मिलेगा। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर 3 की पुस्तकें आपको पढ़नी है, तो जो सबसे पहली पुस्तक है वो साहित्य सागर पद्य है, दूसरा एकांकी संचय और तीसरा नया रास्ता। यानी साहित्य सागर पद्य, एकांकी संचय और नया रास्ता जो किताब है, इन तीनों में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, समय आपको देना है 20 मिनट। यहाँ पर बच्चों 3 क्वेश्चंस आएंगे, अटेम्प्ट एनी 2, मार्क्स है 20, तो जब 2 प्रश्न लिखने हैं तो आपको टोटल टाइम देना है 40 मिनट और एक्सपेक्टेड मार्क्स भी है 20। तो इस तरह से टोटल अंक होता है 40, समय आपको देना है 20 मिनट और एक्सपेक्टेड मार्क्स भी है 40। यानी अगर आप प्रश्नों का उत्तर यहाँ सही लिखते हैं तो इस सेक्शन में भी आपको 40 आउट ऑफ 40 मिल सकते हैं, यानी अप टू द मार्क अगर होना चाहिए, और अगर रहा तो डेफिनेटली आपको 40 आउट ऑफ 40 मिल सकते हैं। तो जब भी आप उत्तर लिखें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए।